सत्ता में जब अपराधी और भ्रष्टाचारी बैठा हो, हत्या करने वाला मंत्री बैठा हो और सत्ता के लिए समझौता करने वाले। आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार मुजफ्फरपुर में बीते दिन चार अपराधियों द्वारा प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी, जिनसे परिजन से मुलाकात करने बिहार भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा उनके घर पर आए, उनके परिजन से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि उन्हें उचित कार्रवाई से सरकार से मांग भी करेंगे। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, वहीं बिहार पुलिस के भी पर भी लापरवाही का भी आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में अराजकता फैल चुकी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता के भले से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। और उन्होंने कहा कि जो भी हत्या किया है वो सत्ता संरक्षित अपराधी है, जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है। बिहार में सच्चा संरक्षित अपराधियों का बेलगाम हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर CBI की जाँच की मांग भी किया है। पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा क्या कुछ कर रहे हैं, आइए पहले सुनिए। आज आशुतोष शाही जी का जिस तरह से निर्मम हत्या किया गया, ये हत्या और जो उनके परिवारों से हमने मिला और बातचीत हुआ, पहले से ही इनको रंगदारी मांगने की धमकी मिल रही थी। इसके पूर्व भी यहाँ इस तरह की घटनाएं घटित हुई है, कई हत्याएं हुई है, और प्रशासन को जानकारी रहने के बाद भी समय पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं बनाना, आशुतोष शाही जी को सरकारी बॉडीगार्ड मिला था, ये महागठबंधन की सरकार आने के बाद इनके बॉडीगार्ड को वापस ले लिया गया, उसके बावजूद इन्होंने कई बार इसके संदर्भ में प्रशासन को सावधान भी किए और वकील के घर पर जहां घटना घटित हुआ कई राउंड गोली चला अत्याधुनिक हथियार से। लोग बता रहे हैं कि मैगजीन बदल बदल कर गोली मारी गई। एक घंटे के बाद पुलिस का पहुंचना, ये सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा किया गया हत्या है और सत्ता का संरक्षण खुलकर मुजफ्फरपुर में पहले से अपराधियों को मिल रहा है। आज प्राइवेट बॉडीगार्ड इनका दो दो मारा गया, दो लोग घायल भी हैं, और इस तरह की घटना पर प्रशासन की उदासीनता निकम्बापनी, ये सरकार के कठपुतली बनकर के रह गए हैं। एक खास वर्ग को, खासकर व्यवसायी को और व्यवसाय से जुड़े लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मेयर की भी हत्या हुआ, पूर्व मेयर का, इनकी हत्या है, हर दिन हत्याओं की दौर मुजफ्फरपुर के अंदर चल रहा है। और यहाँ के निकम्बे प्रशासन को सरकार पोषित करके क्यों रखे हुए है? इसके पूर्व भी सहनी समाज के लोग की हत्या हुआ था, उसमें भी हम आए थे, साफ जिस पर FIR का नाम आया था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उसको बचाने का खुलकर खेल खेले, क्यों अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़े? आखिर कितनी लाशों पर आपकी शांति होगी? मुख्यमंत्री जी उस बिलखते बच्चे को देखिए, उस विधवा का कौन इंसाफ करेगा? आप खुलकर टारगेट कर रहे हैं व्यापार से जुड़े लोगों का, और आपके गुंडे रंगदारी मांगने के चक्कर में इन लोगों की हत्या कर रही है। इसकी उच्च स्तरीय CBI से जांच कराइए, तभी इंसाफ मिलेगा। और मुजफ्फरपुर में ये लाशों का ढेर जो लग रहा है वह खेल खत्म होगा, ये नरसंहार है। महागठबंधन के बाद फिर से नरसंहारों का खेल शुरू हो गया,
और ये सत्ता संरचित नरसंहार है और इनको इंसाफ देने के लिए आपको हर हाल में, अगर जो आप चाहते हैं कि न्याय मिले तो सीबीआई से इसकी जांच कराइए, सत्य से लोग अवगत हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके, क्योंकि इसके पहले भी हत्याओं में एक दूसरे को जो लोग ये खेल खेल रहे हैं बैठ करके आपके सत्ता के संरक्षण में, बाल बाल उन वो बच रहे हैं और उनको बचाया जा रहा है, और आपके कठपुतली प्रशासन पूरे केस को डाइवर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं छुपा रहा है, तथ्य को भटका रहा है। और इस मामला को हम लोग बहुत गंभीरता से लिए हैं। आपके निकम्बापनी और लापरवाही और आपके संरक्षण में अपराधियों के मनोबल बढ़ाने के खेल को अगर जो आप नहीं रोके तो एक बड़ा जन आंदोलन भी होगा। सत्ता में जब अपराधी और भ्रष्टाचारी बैठा हो, हत्या करने वाला मंत्री बैठा हो और सत्ता के लिए समझौता करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने जंगल राज को जनता राज करके गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया, और उस गुंडे के कारण हर दिन हत्याओं की दौड़ चल रही है, दर्जन भर से ऊपर लोग मारे जा रहे हैं बिहार के अंदर, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहा है इस अपराध और भ्रष्टाचार पर। आखिर बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इनसे संभल नहीं रही है बिहार। ये सत्ता में सिर्फ लूट की भागीदारी की छूट चाहते हैं, बाकी जनता के बदहाल स्थिति अराजकता से इनको कोई लेना देना नहीं है। बिहार सरकार दावा कर रही है कि जेडीयू जो है दावा कर रही है कि नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। सामने प्रमाण है, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है कि बिहार के अंदर हर जिले के अंदर गोली नहीं चल रही है, रंगदारी नहीं मांगी जा रही है और हत्या नहीं की जा रही है। आप ही के शहर के अंदर लोग बता रहे हैं कि आज 50 से ऊपर हत्या हो चुकी है और कई लोगों को गोली के शिकार होकर के इलाज करवा रहे हैं। यही सुशासन है। करनी कथनी में अब समरूपता नहीं, समझौता करके कुर्सी बचाने के लिए एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, दहशत में लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, ये सुशासन है तो आपके जैसे लोगों से बिहार को मुक्ति चाहिए। सर एक सवाल है सर, 6 महीना पहले उनकी सिक्योरिटी हटा लिया गया था आशुतोष शाही जी का प्रशासन के द्वारा। नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कठपुतली की यहाँ प्रशासन बैठी है, जो उस तरह के सत्ता संरक्षित अपराध करने वाले लोग हैं, उसका खुफियागिरी करता है, उसको बॉडीगार्ड मिलता है, और जिसके जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, आज बैठे हुए यहाँ या कोई भी शरीफ सज्जन आदमी भयभीत है इस शहर के अंदर कि कब किसकी जिंदगी ले लेगा। और इस निकम्बे प्रशासन यहाँ से बैठे हुए हैं, जब साहनी के मामला पर एक FIR नहीं कर सकता है, सत्ता में बैठे अपराधियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री खुलकर हस्तक्षेप करते हो और कठपुतली प्रशासन मौन रहता है, तो कैसे न्याय की बात होगी। जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, सत्य सामने नहीं आएगा। सर, जब से सरकार बनी है बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हत्या भूमिहार समाज के लोगों की जा रही है। हमने बता दिया कि देखिए, आज एक खास वर्ग के और व्यवसायिक समुदाय के लोगों की मौत और लूट, रंगदारी, ये खेल जंगल राज की याद ताजा करा रहा है, और ये जंगल राज वाले को मुख्यमंत्री जनता राज कह करके प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज वो गुंडा राज में तब्दील होकर के लोगों को भयभीत कर रहा है। इसको संज्ञान में और गंभीरता से लेना होगा। इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे।
तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ, उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा सत्ता संरक्षित अपराधियों ने इस तरीके की घटना को बिहार में लगातार अंजाम दे रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरकर बैठे। उन्होंने सरकार से बड़ी मांग की, उन्होंने कहा कि CBI से इस मामले की जाँच किया जाए और जल्द ही उद्भेदन किया जाए जो मामले में संलिप्त है, और बिहार पुलिस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोगों की सूचना मिली थी, जिस सूचना के बाद भी पुलिस एक घंटे के बाद पहुंची, यह बड़ा सवाल उठाती है। तो इसी तरीके खबर के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।